Everyone, today we will discuss data types in Python language. So firstly, what is data type? Variables can hold values of different data types. Python is a dynamically typed language. Hence, we need not define the type of the variable while declaring it. The interpreter implicitly binds the value with its type. Python enables us to check the type of the variable used in the program. Python provides us the type function which returns the type of the variable passed. पहली बात तो ये है कि जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है वो टाइप्ड लैंग्वेज है, मीन्स हमें डेटा टाइप को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है। ठीक है, इंटरप्रेटर जो है वो अपने आप वैल्यू को बाइंड करता है उस वेरिएबल के साथ। अगर वैल्यू आपकी इंटीजर है तो वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का हो जाएगा, अगर वैल्यू आपकी फ्लोट है तो वो फ्लोट टाइप का हो जाएगा। मींस द इंटरप्रेटर इम्प्लिसिटली बाइंड्स द वैल्यू विद इट्स टाइप। फॉर एग्जांपल, सपोज वी राइट हियर ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू हाई पाइथन, सी इज इक्वल टू 10.5। Here the value 10 is bind to variable A. Value 10 is integer type. The variable of A is also integer type. ये अपने आप A जो है वो कैसे हो जाएगा, convert हो जाएगा कि इसमें integer type। जैसे आपने लिखा hi python, ये क्या है, string है, तो B जो है वो काम करेगा as a string की तरीके से। ऐसे 10.5 जो है वो काम करेगा इस जो सी आई फ्लोट के लिए काम करेगा। आइए पाइथन में देखते हैं कि ये जो वेरिएबल हैं किस तरीके के डिक्लेयर हैं। देखिए, हमने लिखा था ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू हाई पाइथन, सी इक्वल टू 10.5। पाइथन लैंग्वेज में एक फंक्शन है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या काम करता है? टाइप फंक्शन ये बतलाता है कि आपने किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया था, मतलब किस टाइप का वो जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर हुआ होगा मेमोरी में। ठीक है, तो अगर ये आपको पता करना है तो हम टाइप फंक्शन की हेल्प से पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं रन करके। जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो इसने दिखाया हमें एरर। क्या एरर दिखाई? नेम ए इज नॉट डिफाइंड, ए को तो हमने डिफाइन किया है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैसी है? केस सेंसिटिव। और यहाँ कैसा लिखा है, ये कैपिटल ए और वहाँ पर स्मॉल ए, तो या तो ये भी स्मॉल ए होना चाहिए। अब रन करिए इसको। तो देखिए, क्लास इंटीजर जो वेरिएबल ए है, वेरिएबल ए की क्लास कैसी है? इंटीजर टाइप। वेरिएबल बी की क्लास कैसी है? स्ट्रिंग टाइप एसटीआर। और वेरिएबल सी की क्लास कैसी है? फ्लोट टाइप। सपोज दैट वेरिएबल सी को मैं अब यहाँ से चेंज कर दे रहा हूँ, ये कर दे रहा हूँ। अब पूछना चाहता हूँ, अभी तक तो टाइप जो सी का जो टाइप बता रहे थे वो कैसा बता रहे थे? फ्लोट। अब क्या होगा? देखिए, क्लास सी का जो टाइप है अब कैसा चेंज हो गया? इंटीजर टाइप का। और देखिए, सपोज दैट मैं यहाँ पर इस तरीके से ऐसे लिख देता हूँ हेलो, अब सी का जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा। तो ये चीज बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर ये चेंज कर लीजिएगा, दैट इज ए। नाउ पाइथन डेटा टाइप्स और स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स इन पाइथन लैंग्वेज। डेटा टाइप्स जो है वो क्या होते हैं पाइथन लैंग्वेज में, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। डेटा टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, म्यूटेबल डेटा टाइप्स एंड सेकेंड इज इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। पाइथन लैंग्वेज में दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं, पहला म्यूटेबल और दूसरा इम्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स जिसको हम चेंज कर सकते हैं यूजर की नीड के अकॉर्डिंग। इम्यूटेबल मीन्स जिसके एलिमेंट चेंज ना हो सकते।
इम्यूटेबल डेटा टाइप्स इन पाइथन लैंग्वेज न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है, टप्पल है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। म्यूटेबल कौन से हैं? लिस्ट, डिक्शनरी एंड देन सेट, दीज आर म्यूटेबल डेटा टाइप्स। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है डेटा टाइप का, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप इन पाइथन लैंग्वेज, ये एक्सप्लेन म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन लैंग्वेज विद एग्जाम्पल। इसको अच्छे से समझो, अच्छे से तैयार करो। तो आइए डिस्कस करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप जो है वो कैसा है? इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल का फर्स्ट पॉइंट हम देते हैं न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप जो होते हैं वो इंटीजर या लॉन्ग या फ्लोट या फिर कॉम्प्लेक्स। इंटीजर नंबर को हम कैसे लिखते हैं? जैसे 10, 2, 29, दीज आर द इंटीजर नंबर, साइन इंटीजर नंबर, ठीक है। लॉन्ग इंटीजर आर यूज फॉर ए हायर रेंज ऑफ वैल्यूज लाइक दिस एंड दिस, इस तरीके से। बट लॉन्ग डेटा टाइप जो है वो अब यूज नहीं करते हो, क्योंकि अब इंटीजर अपर बाउंड लिमिटेशन नहीं है किसमें, पाइथन लैंग्वेज में। तो अब इंटीजर से ही हमारा काम चल जाता है। नाउ फ्लोट, फ्लोट इज यूज टू स्टोर फ्लोटिंग नंबर्स लाइक दिस, इस तरीके से। ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 2.14 या इस तरीके के जो नंबर लिखे हुए होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप इन पाइथन लैंग्वेज, जैसे हमने बात करी हुई इंटीजर की, इन पाइथन 3 देयर इज नो अपर बाउंड ऑन द इंटीजर नंबर, विच मीन्स वी कैन हैव द वैल्यू एज लार्ज एज आवर सिस्टम मेमोरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस, तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, न्यूमेरिक डेटा टाइप इन पाइथन लैंग्वेज। ये हमने लिखा num इज इक्वल टू 100, और सेकंड लाइन में क्या लिखा है, प्रिंट डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल num एज, num का जो टाइप है वो बताइए। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि हमने एक वैल्यू डिक्लेयर की है, वेरिएबल सॉलिड डिक्लेयर किया है num नाम का, और उसकी वैल्यू कितनी असाइन कर दी, 100। हमने फिर उस वेरिएबल को प्रिंट कराया, और साथ में ये भी पूछा है कि इस नम का डेटा टाइप बताइए क्या है। तो जनरली से जब आप इसको रन करेंगे तो ये आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, प्रिंट नम की वैल्यू कितनी आएगी, 100, एंड डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल नम इज, डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल नम इज कैसा आएगा, इंटीजर, ठीक है। हमने अभी बात करी थी कि जो इंटीजर टाइप के डेटा होते हैं इन पाइथन, देयर इज नो अपर बाउंड ऑन इंटीजर नंबर, विच मीन्स वी कैन हैव द वैल्यू एज लार्ज एज आवर सिस्टम मेमोरी। तो इसको चेंज करके देखते हैं कितना लार्ज हो सकता है। सपोज दैट मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो क्या ये इसको सपोर्ट करेगा, तो देखते हैं। आप इसको रीड कर सकती हो कितना है, मे नॉट, देखिए आ गया इतनी वैल्यू इस तरीके से। तो अब हमें लॉन्ग की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारा जो है इंटीजर डेटा टाइप से ही वर्क हो जाता है। नाउ लॉन्ग डेटा टाइप, इट इज डिक्लेयर्ड इन पाइथन 3 बिकॉज देर इज नो नीड फॉर इट, सिंस द इंटीजर हैज नो अपर लिमिट, देर इज नो पॉइंट इन हैविंग ए डेटा टाइप दैट अलाउ लार्ज अपर लिमिट दैट इंटीजर। नेक्स्ट है फ्लोट, फ्लोट वैल्यूज विद डेसिमल पॉइंट्स आर द फ्लोट वैल्यूज, देर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप इन पाइथन, इट इज ऑटोमेटिकली इन्फर्ड based on the value we are assigning to a variable. For example, fnum is a float data type. Example देखिए इसका, या उसी में change कर देते हैं। चलो ये जो num है, अब इस num की value मैंने यहाँ से change कर ली है, मैंने यहाँ पर लिखा 12.56। integer की जगह क्या लिख दूँ यहाँ पर, this is comment, यहाँ पर क्या लिखना हमें, फ्लोट। फ्लोट नंबर, ठीक है।
12.56 एक फ्लोट नंबर है, ये किसको असाइन कर दिया, नंबर को, तो नंबर की वैल्यू भी इतनी आनी है। बट डेटा टाइप ऑफ नम इज, अब नम का डेटा टाइप क्या आएगा वो देखिए, तो नम का डेटा टाइप क्या आया यहाँ पर देखिए आउटपुट में फ्लोट, क्लियर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं, तो नंबर विद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा, पाइथन इज एबल टू आइडेंटिफाई दीज कॉम्प्लेक्स नंबर विद वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल सपोज we write in our Python language in this type cnum, cnum का मतलब होता है complex number, एक वेरिएबल है complex number, इसकी वैल्यू हमने क्या दे दी है 3 + 4j, तो जो इस तरीके के फॉर्मेट में लिखे हुए होते हैं उनको हम complex number बोलते हैं, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया और सिस्टम से यानी अपने इंटरप्रेटर से पूछा है कि इस सी नम का हमें टाइप बताइए किस टाइप का है, तो आइए देखते हैं इसको रन करके आंसर क्या है, 3 + 4j और डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल सी नम इज क्लास कॉम्प्लेक्स, कैसा नंबर है कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर, क्लियर। तो ये चीज बच्चों क्लियर हो गई होगी आपको। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर, ये अगर हम पाइथन में इनपुट कराने हो तो ये कैसे कराएंगे, क्योंकि ये भी तो इंटीजर नंबर हो सकते हैं बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर, जैसे सिंपल नंबर होते हैं जैसे आप डेसिमल नंबर अभी आप कर रहे थे, तो अब इसी फॉर्मेट में बाइनरी नंबर भी हो सकता है, ऑक्टल नंबर भी हो सकता है और हेक्साडेसिमल नंबर भी हो सकता है। तो इन पाइथन वी कैन प्रिंट डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर यूजिंग द प्रीफिक्स, अगर आप 0b 0+b लिखेंगे, 0b लिखेंगे या 0b ऐसे लिखेंगे तो वो बाइनरी नंबर को इंडिकेट करेगा, अगर आप ऐसे लिखेंगे 0o 0 फर्स्ट इज 0 और सेकंड o जो है वो o है, ऐसे लिखेंगे तो वो ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और ऐसे लिखेंगे 0x तो ये हेक्साडेसिमल नंबर को इंडिकेट करेगा। तो आइए देखते हैं एग्जांपल, देखिए क्या लिखा हुआ है, नम इज इक्वल टू 0v101, अगर हम 0v लिख देते हैं तो 0v लिखने से वो नंबर कैसा हो जाएगा बाइनरी नंबर, अब इस बाइनरी नंबर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, डेसिमल नंबर की वैल्यू आनी चाहिए कि ये 101 का डेसिमल नंबर क्या होगा, तो आइए रन करके देखते हैं, देखिए इसका नंबर कितना है 5, अगर सपोज दैट मैं इसको ऐसे लिख दूं 0v100 तो इस ये किसके इक्विवेलेंट होगा 4 के, ठीक है आंसर कितना आया 4, क्लियर। तो ये बाइनरी नंबर था, अगर मैं ऑक्टल नंबर लिखूं तो क्या लिखता हूं यहाँ पर, ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर में 0o लिखना होता है, और ऑक्टल नंबर में सपोज दैट मैं ऑक्टल नंबर पूछूं किसका 6 का, तो 6 का ऑक्टल नंबर क्या होगा, तो 6 का ऑक्टल नंबर 6 ही होगा, अगर मैं 10 का ऑक्टल नंबर पूछूं 10 का तो 10 का ऑक्टल नंबर कितना होगा 8 होगा, ठीक है। अगर मैं 7 का ऑक्टल नंबर पूछूं तो 7 का ऑक्टल नंबर कितना होगा 7 ही होगा, ठीक है 7 ही होगा, 7 के बाद ऑक्टल नंबर में जो नंबर आता है नेक्स्ट वो होता है 10, ठीक है। अगर आप 10 लिखेंगे यहाँ पर 10 लिखेंगे तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 8 होगा, क्लियर। इस तरीके से अगर हेक्साडेसिमल नंबर होगा तो क्या लिखेंगे 0x, ठीक है 0x, सपोज मैंने ये लिख दिया 100 का बताइए तो क्या नंबर आएगा, देखिए 256, ठीक है दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर। अगर सपोज दैट मैं इसको ऐसे लिख दूं FFF इट्स इक्विवेलेंट इज 255, क्लियर। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है, तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं स्ट्रिंग, पाइथन डेटा टाइप
वो भी कौन सा है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स इन पाइथन। वी नो दैट स्ट्रिंग जो होता है वो क्या होता है, करेक्टर का सीक्वेंस होता है। तो द डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग इन पाइथन इज कॉल्ड str। स्ट्रिंग पाइथन आइदर इनक्लोज्ड विद सिंगल क्वेट्स और डबल क्वेट्स। या तो स्ट्रिंग को सिंगल क्वेट्स में इनक्लोज कर सकते हैं या फिर डबल क्वेट्स में। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, s इज इक्वल टू दिस इज ए स्ट्रिंग, s2 इज इक्वल टू दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रिंग। देखिए s, s एक वेरिएबल का नेम है और इस वेरिएबल को क्या मिला हुआ, एक स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग की क्या पहचान होती है कि डबल क्वेट्स में इनक्लोज्ड होता है। तो डबल क्वेट्स लगे हुए हैं, ये वाला क्वेट्स और ये वाला क्वेट्स, इसके बीच में एक स्ट्रिंग लिखी हुई है। ठीक है, स्ट्रिंग दूसरी ऐसे भी लिखी जा सकती है सिंगल क्वेट्स में। क्लियर है? तो अगर आप इसका आउटपुट देखना चाहते हैं तो आउटपुट देखिए क्या है, दिस इज ए स्ट्रिंग और इसकी क्लास क्या है, str, स्ट्रिंग क्लास का। सपोज दैट मैं इसकी जगह किसको प्रिंट कर रहा हूं, s2 को, क्या लिखूं यहां पर, s2। और यहां भी क्या लिखूं, s2। अब क्या मैसेज आएगा, दिस इज आल्सो ए स्ट्रिंग, दिस इज आल्सो ए स्ट्रिंग एंड इट्स क्लास इज स्ट्रिंग। क्लियर? तो ये चीज बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ देखते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप, टपल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टपल इज इम्यूटेबल डेटा टाइप, मींस जिसके एलिमेंट्स को हम चेंज ना कर सकते हैं, वो डेटा टाइप कैसा होता है, इम्यूटेबल। तो टपल इज इम्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन, विच मींस इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ये बदल नहीं सकता, चेंज नहीं हो सकता। इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इनक्लोज्ड इन राउंड ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट राइट हेयर टी इज इक्वल टू राइट हेयर टी इज इक्वल टू 1, 2, 5, 8। एंड मैं राइट करूं प्रिंट टी, क्या लिखूं टी, और क्या लिखूं प्रिंट टाइप टी। व्हाट इज टाइप, टाइप इज ए फंक्शन व्हिच रिटर्न्स द डेटा टाइप ऑफ एनी पर्टिकुलर वेरिएबल। देखिए रन करते हैं, क्या है 1, 2, 5, 8 और इसका क्लास कैसा है, टपल टाइप। क्लियर है? तो टपल की क्या पहचान है, टपल इज इम्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन विच मींस इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ये चेंज नहीं हो सकता। इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इनक्लोज्ड इन राउंड ब्रैकेट्स, क्लियर है, एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा था कि ये एक तो राउंड ब्रैकेट्स में इनक्लोज है और सेपरेटेड बाय कॉमा। क्लियर? सपोज दैट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, हाय एक एलिमेंट और मैंने इसमें इंक्रीज कर दिया, तो इट इज करेक्ट और नॉट, देखिए इस तरीके से। क्लियर है? तो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, बट ये एलिमेंट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पाइथन डेटा टाइप लिस्ट, लिस्ट डेटा टाइप। List is similar to tuple. It is also an ordered collection of elements. However, जबकि list is a mutable data type. Mutable का मतलब हम इसके element को change कर सकते हैं, list के element को. Which means it can be changed unlike tuple, which is an immutable data type. For example, suppose that अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, इस ब्रैकेट में। लिस्ट की क्या पहचान होती है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज रहते हैं। देखिए रन करते हैं प्रोग्राम को, तो ये एक लिस्ट की फॉर्मेट है और इसका क्लास कैसा है, लिस्ट। क्लियर? तो
ए लिस्ट इज इनक्लोज्ड विद स्क्वायर ब्रैकेट एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो लिस्ट भी आपको समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी के अंदर दो एलिमेंट रहते हैं, पहला एलिमेंट की और दूसरा उसकी से रिलेटेड उसकी वैल्यू। तो डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स। ए डिक्शनरी डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट कीज बट वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। इट इज एन ऑर्डर्ड इंडेक्स्ड एंड इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी राइट दिस अब मैं प्रिंट करूं किसको डिक्शनरी को तो क्या प्रिंट होगा। तो ये डिक्शनरी की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएंगी। देखिए ये पूरी की पूरी डिक्शनरी हो गई। अब मैंने यहाँ पर चेंज किया, क्या चेंज किया कि मुझे डिक्शनरी का वो वैल्यू बताइए जो वन पोजीशन पर है, वन की पर है। तो वन की पर क्या लिखा हुआ, वन की पर लिखा हुआ बी एस ए। तो क्या प्रिंट होके आ जाएगा बी एस ए। इंडेक्स, इंडेक्स कैसे लेगा ऐसे इस तरीके से। क्या हमें वैल्यू मिली बी एस ए। अब मैं देखिए यहां पर की चेंज कर रहा हूं, की लिख रहा हूं क्या एज। तो एज कैसा हमारा इस तरीके की एक की है। तो एज कितनी आनी चाहिए 31। तो 31 ठीक है। मैंने यहां पर लिखा एक एलिमेंट और बढ़ा लेते हैं। चलो यहां पर मैंने यहां पर लिखा 2:, और यहां पे मैंने लिख दिया 34.89। क्लियर। ये डिक्शनरी के एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट्स ये है क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है की वैल्यू पेयर रहती है। तो की क्या है पहली देखो 1 और उसकी वैल्यू क्या है बी एस ए। ऐसी दूसरे वाले में देखो इसमें इसकी पहली की क्या है लास्ट नेम और इसकी वैल्यू क्या है ये। इस वाले में देखो की क्या है एज और वैल्यू क्या है 31। इस वाले में देखो की क्या है 2 और वैल्यू क्या है 34.89। तो अब मैं अगर इसकी जगह पर क्या यूज करूं 2 तो क्या आंसर आएगा। आंसर आया 34.89। क्लियर। नाउ अगर मैं यहां पर यह पूछना चाहूं प्रिंट करिए टाइप किसका डिक्शनरी का DICT। तो अब टाइप कैसा आएगा, इसकी क्लास कैसी आएगी। क्लास आएगी इसकी डिक्शनरी टाइप की। क्लियर। तो ये चीजें बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं लास्ट सेट। पाइथन डेटा टाइप सेट। इस सेट इज एन अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स कलेक्शन ऑफ आइटम। अनऑर्डर्ड होता है पहली बात, तो दूसरा इसके अंदर इंडेक्स भी नहीं होता। अभी तक हम इंडेक्स यूज कर रहे थे, अब इंडेक्स को अगर यूज करेंगे तो ये सपोर्ट नहीं करता। दिस मीन्स व्हेन वी प्रिंट द एलिमेंट ऑफ ए सेट दे विल अपीयर इन द रैंडम ऑर्डर एंड वी कैन नॉट एसेस द एलिमेंट ऑफ सेट बेस्ड ऑन इंडेक्स बिकॉज इट इज अनइंडेक्स्ड। एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल सेट की पहचान क्या है कि ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सेपरेटेड बाय कॉमा होंगे। बट सेट
जो है वो इंडेक्स बेस्ड नहीं होता है, इंडेक्स के अंदर इंडेक्सिंग इसके अंदर नहीं चलती और ये अनऑर्डर्ड होता है। अभी इसका ऑर्डर ये लिखा हुआ है, देखिए जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा इसका ऑर्डर क्या आया, टू हाई बाय हेलो वर्ल्ड, टू सबसे पहले आया, हाई उसके बाद में आया, बाय इस तरीके से आया, क्लियर है इस तरीके से। अब देखिए मैंने दोबारा रन किया फिर इसका ऑर्डर चेंज हो गया, बाय टू हेलो हाई, फिर दोबारा रन करूँगा कुछ और ऑर्डर आएगा, टू हेलो वर्ल्ड बाय, ठीक है। तो ये इसके अंदर इंडेक्सिंग भी नहीं होती है और दूसरा ये अनऑर्डर्ड होता है। सपोज डेट अगर आप ये करना भी चाहें कि नहीं मुझे तो इंडेक्स चलाना है, तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे दूसरा एलिमेंट दिखाई तो ये एक रन तो होगा लेकिन एरर बतलाएगा, ठीक है, एरर टाइप एरर सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल, क्लियर। तो ये था बच्चों आपका सेट डेटा टाइप। आइए देखते हैं इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम या राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू अदर नंबर सिस्टम, ठीक है। अभी तक जो आपने नंबर सिस्टम को कन्वर्ट किया था वो किया था उनके प्रीफिक्सिंग से, किसकी हेल्प से किया था, प्रीफिक्सिंग की हेल्प से। बट अब जो हम करने जा रहे हैं वो फंक्शन की हेल्प से, कुछ बने बनाए प्री डिफाइंड फंक्शन है उनकी हेल्प से अब हम यूज करने जा रहे हैं। तो उनको देखिए, सपोज दैट एक डेसिमल नंबर है हमारे पास 8, डीसी एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को एक हमने नंबर दिया क्या 8, ठीक है। प्रिंट द डेसिमल वैल्यू ऑफ डीसी इज, जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होके आ जाएगी, क्लियर है। नाउ प्रिंट, हमने कहा इस डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर लिखिए, तो एक फंक्शन बनाया गया bin, बिन नम से, ठीक है। तो ये DEC को कन्वर्ट कर देगा किसमें, बाइनरी नंबर में। ऐसी DEC को कन्वर्ट कर देगा ऑक्टल नंबर में, ऐसी DEC को कन्वर्ट कर देगा किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर। तो आइए रन करके देखते हैं। देखिए द डेसिमल वैल्यू ऑफ 8 इज, बाइनरी नंबर तो ये होगा, ठीक है, ऑक्टल नंबर ये होगा, हेक्साडेसिमल नंबर ये होगा, क्लियर। तो ये थी बच्चों आप आज की क्लास जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो इसके आगे अब नेक्स्ट क्लास होगी वो हम देखेंगे कुछ नेक्स्ट डेज में, ठीक है। थैंक यू।